हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में 59 ऐसे ऐप जो थे जिनको बैन कर दिया गया है जो कि चाइनीज ऐप थे। तो मैं आपको हर एक वीडियो के माध्यम से अभी तक बता रहा हूं कि जो भी चाइनीज ऐप थे उसके बदले आपको कौन सा ऐप यूज करना था। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक के बदले आपको कौन सा ऐप यूज करना चाहिए। जैसे कि टिकटॉक जो था उसके बदले आपको एक ऐप मैं बता दूँ, चिंगारी ऐप, इसका यूज आप कर सकते हैं, जो कि चिंगारी ऐप जो है एक इंडियन ऐप है और इस ऐप में भी आपको वो सारी फीचर्स देखने को मिल जाती है जो आपको टिकटॉक में देखने को मिल जाता था। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चिंगारी ऐप की वो सारी फीचर्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि उसमें आप कैसे आईडी बना सकते हैं अपना और उसमें कैसे वीडियो बना सकते हैं, उसमें जो भी सेटिंग है मैं आपको उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को आखिरी तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपको मैं अपना चैनल टेक टिप्स तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करके सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं कि क्या है चिंगारी ऐप और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि टिकटॉक के बदले आप कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टिकटॉक के बदले आप चिंगारी ऐप का यूज आसानी से कर सकते हैं। जो भी फीचर्स आपको टिकटॉक में देखने को मिलता था वो सारी फीचर्स आपको चिंगारी ऐप में देखने को मिल जाएगा, उससे भी अच्छा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अपडेट न्यू अपडेट मिलता रहेगा चिंगारी ऐप में। तो दोस्तों अगर आपने चिंगारी ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो मैं आपको यहां से बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और उसमें सारे फीचर्स क्या क्या है, मैं आपको ये तो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है चिंगारी टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे को भी यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ गया है। मैंने जैसे कि बताया कि आपको हमेशा अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता रहेगा क्योंकि अभी नया ऐप है, इसमें बहुत सारी बदलाव होती रहेगी एक एक करके। तो अगर मैं आपको इस ऐप की रिव्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 10 मिलियन इसका जो डाउनलोडर्स हैं ये बहुत ही कम समय में आ गया है और यह जो ऐप है अभी प्ले स्टोर पे वायरल हो रहा है। और इसकी साइज़ की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यह मात्र 33 MB का ही यह ऐप है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे डुप्लीकेट ऐप से बचें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप देखने को मिल जाता है जो कि चिंगारी ऐप के नाम से हैं, क्योंकि यह किसी भी काम के नहीं है। तो आपको जब भी चिंगारी ऐप को डाउनलोड करना होगा तो आप देख सकते हैं कि यह चिंगारी ऐप जो है इसका आइकन को आप देख सकते हैं, आप इसी को डाउनलोड करें। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और साथ साथ मैं बता दूँ कि आपको एक इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा कि व्हाट्सअप में कोई भी अगर स्टेटस लगाता है तो वो भी आपको चिंगारी ऐप में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चिंगारी ऐप को ओपन कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें आगे की प्रोसेस, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यह वीडियो में सेलेक्ट है, यहाँ पे आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको सारी न्यूज देखने को मिल जाती है जो भी न्यूज आपको देखना है और यहाँ आपको गेम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको 3 जो अलग से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टिकटॉक में नहीं रहता है। अब मैं आपको इसमें और भी बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है इसमें, यानी कि आईडी कहाँ से बनाना है आपको इसमें और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपको यहाँ से इसको ऐसे कर लेना है, करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक आइकन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको आईडी बनाने का मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं कि ये सर्वर अनअवेलेबल है, यानी कि अभी इसमें अपडेट का वर्क जो है चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने अभी अपडेट नहीं किया, ये डायरेक्ट मैंने ओपन किया तो मेरे पास अपडेट आया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया तब मुझे दिखाई दिया कि अभी अपडेट आया है, तो मैंने अपडेट नहीं किया इसलिए मेरे को ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास भी अपडेट आता है तो अगर आप अपडेट कर लेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्या करना है कि इस आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ से साइन इन कर लेना है, मतलब अपना एक अकाउंट बना लेना है, जो कि आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आप ईमेल आईडी देना रहेगा। ईमेल आईडी के जरिए आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मैसेज मेरे को देखने को मिला, दिस फीचर्स इज
अंडर मेंटेनेंस, वी आर वर्किंग ऑन इट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मतलब इस ऐप पे जो है कि इसमें फीचर्स जो है आने वाले हैं, तो इसमें मेंटेन का कार्य चल रहा है और इसको जो है बाद में देखा जाएगा, तो ओके कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ व्हाट्सअप स्टेटस। व्हाट्सअप स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ आपको व्हाट्सअप स्टेटस देखने को मिल जाता है। आपके फ़ोन में अगर आपका दोस्त कोई भी स्टेटस लगाता है तो वह स्टेटस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, वो क्योंकि वहाँ पे जो भी स्टेटस रहेगा आपको यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो वहाँ का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई स्टेटस अच्छा लगता है, कोई आपका फ्रेंड स्टेटस लगाया है वो अच्छा लगता है, तो उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से उस स्टेटस को ले सकते हैं। और आगे की ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एडिट भी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें जो भी आपको भरना है आप भर सकते हैं, जो जो है इसमें आपको गैलरी भी देखने को मिल जाता है, ड्राफ्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको टिकटॉक में देखने को नहीं मिलता था। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि रिवार्ड जो भी आपको इसमें कुछ क्वाइन भी मिलते होंगे, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि अभी मैं भी वीडियो बनाने के लिए यह आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना पता है कि यह जो है टिकटॉक से अच्छा ऐप है और इसमें आपको सारी फीचर्स देखने को मिल जाती है। और आपको जैसे कि अभी आप बोलेंगे कि इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो यह इसमें मेंटेन का कार्य चल रहा है। जैसे कि मैंने एक मैसेज आपको दिखाया, तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कभी कभी इसमें अपडेट का ऑप्शन आने के टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यह एक नया ऐप है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गेम जोन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आप गेम भी खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्विच लैंग्वेज की, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारे भाषा देखने को मिल जाता है, जो ऐसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कनाडा, मराठी, तेलुगु, उड़ीसा, इंग्लिश, मलयालम, पंजाबी, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यह थी हमारी भाषा, जो कि जिस भाषा में आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और देखने को मिल जाता है, इनवाइट फ्रेंड पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से अपने दोस्तों के पास क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वाइन मिलेगा जो कि बाद में चल के वह रुपया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ इनकम भी आप कर सकते हैं, यानी कि अर्निंग भी कुछ कर सकते हैं अपने फ्रेंड के पास या अपने किसी भी रिश्तेदार के पास इस लिंक को शेयर करके। और भी इसमें क्या ऑप्शन है, एक आपको वेब लॉगिन देखने को मिल जाता है। वेब लॉगिन क्या है हम देख लेते हैं। ये वेब लॉगिन मतलब कि इसमें आपको QR करके कुछ है, मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है कि यह क्या है, बाद में अगर कभी कर दूंगा तो आपको इसके बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें वीडियो कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या क्या फिल्टर्स हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो क्या करना है कि आपको वीडियो बनाने के लिए यहां पे क्लिक करना है, जो कि आइकन था इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको टिकटॉक में देखने को मिल जाता है। आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लैश, आपको क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप देख सकेंगे कि जो कि लाइट है कि ऑन हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लैश है बहुत ही सही है। आपके फ़ोन पे डिपेंड करता है कि फ्लैश लाइट कैसा है। और उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है टर्न, यानी कि आप फ्रंट कैमरा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैक कैमरा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं टर्न पे क्लिक करके। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर में आपको बहुत सारे आपको देख सकते हैं कि इतने सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें जो भी फिल्टर्स करके लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वीडियो बनाने के टाइम बहुत सारे फिल्टर्स आपको बहुत अच्छे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। यह फिल्टर्स बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही बेस्ट आपको लुक देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि। और मैं इसमें और भी फिल्टर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे में ये हो गया। ऐसे तो मैं कैमरा के सामने कुछ रखा नहीं हूँ तो इसलिए ज़्यादा फिल्टर आपको देखने को नहीं मिल जाता है कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उस टाइम आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे टाइमर पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक, जैसे कि आपको पता होगा कि टाइमर लगाते हैं कि ऑटोमेटिक जो है आपका वीडियो बनना स्टार्ट हो जाए जो टाइम दिया हो उस टाइम पे, यानी कि 5 सेकेंड अगर सेलेक्ट होगा तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 5 सेकेंड बाद वीडियो स्टार्ट होगा। तो इसके लिए
ये क्या रहता है कि आपको जब भी वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरे को लाने की ज़रूरत नहीं रहता है कि आपका कैमरा पकड़े या कुछ करे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आप 5 सेकंड में जा करके जहाँ पे आपको खड़ा होना है हो सकते हैं, उसके बाद आपका वीडियो बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है और फास्ट मोशन भी वीडियो बनाने के लिए देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक आपको सबसे टॉप में ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड मीडिया। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस के तौर पे आपको सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, डायलॉग देखने को मिल जाते हैं, मूवी देखने को मिल जाते हैं, हिंदी डायलॉग आपको देखने को मिल जाते हैं, पंजाबी सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, हेड राइटिंग देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे जिसके भी ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ आता है गैलरी, गैलरी का भी क्लिक करके आपके फ़ोन में अगर कोई भी वीडियो है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना वीडियो डायरेक्ट डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो यह चिंगारी ऐप है बहुत ही बेस्ट ऐप है। इसमें आपको टिकटॉक से अच्छी फीचर्स देखने को मिल जाती है और आगे भी मिलती रहेगी क्योंकि इसमें हर टाइम अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और यह इसमें अपडेट होता ही रहेगा क्योंकि बहुत कम टाइम में इसका जो डाउनलोडर्स हैं यह 10 मिलियन हो चुके हैं जो कि बहुत ही कम टाइम में। तो टिकटॉक को छोड़िए और इसको अपनाइए, टिकटॉक तो ऐसे भी बैन हो चुका है तो टिकटॉक के बदले आप इसका यूज करें जो कि आपको चिंगारी ऐप में देखने को मिल जाता है टिकटॉक की सारी फीचर्स। तो चिंगारी ऐप को आप डाउनलोड करें और इसका यूज करें, बस यही छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने टिकटॉक के बदले चिंगारी ऐप बताया और चिंगारी ऐप के जो भी फीचर्स मैंने बताए ये बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि टिकटॉक से भी बेहतर आपको इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है चिंगारी ऐप में। तो आप भी चिंगारी ऐप का यूज करिए और यह एक इंडियन ऐप है, इंडिया का सपोर्ट करिए। तो बस यही छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों मेरा आपसे एक बार और निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।